कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्रों छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सवाल वेक्टर से संबंधित करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले देखिए, हम सदिश ए का परिमाण कैसे निकालते हैं, सदिश बी का परिमाण कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड जो निकालना होता है हमें, तो उसके लिए क्या है। देखिए, कोई सदिश ए है, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर है, ए प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। यहाँ आई जे क्या है, एक्स वाई जेड दिशाओं में यूनिट वेक्टर है। तो इसका जब हम परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से सदिश बी को भी निकाल सकते हैं हम, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के का परिमाण जब निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। यदि सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बटे ए बी, ए बी का मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो ए डॉट बी हम इसको निकाल लेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और इंटू फिर आगे लिखेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो इस प्रकार से हम कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक सवाल है, एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन का बल लगा है तथा बल की दिशा से 60 इंच का कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा। देखिए, यहाँ पर F बराबर 150 न्यूटन लिखा हुआ यह है और थीटा कितना है, 60 इंच है, S विस्थापन कितना है, 15 मीटर। तो कृत कार्य क्या होता है, W बराबर F डॉट S, F डॉट S को लिखते हैं एफ एस कोस थीटा। अब F कितना है यहाँ पर, 150 गुणा एस कितना, 15 और कॉस 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 75 में 2 से कट जाएगा 150, 75 बार और 75 और 15 ही गुणा कर लेंगे 1125 जूल कार्य हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, यदि ए बराबर वेक्टर है कोई, ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j और बी इज इक्वल टू 12i माइनस 5j, जहाँ आई जे क्या है, एक्स और वाई दिशाओं में एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। ज्ञात कीजिए, नंबर एक, सदिश ए का परिमाण, नंबर दो, ए डॉट बी का मान। तो सदिश ए का परिमाण जैसे हमने बताया था, ये परिमाण कैसे निकालते हैं, तो ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 0k, क्योंकि k का कंपोनेंट इसमें नहीं है तो इसमें हमने 0 लगा करके k लिख दिया, तीनों को लिख लिया हमने एक्स वाई जेड दिशाओं में। तो सदिश ए का परिमाण कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स यहाँ पे कितना 3 है और ए वाई कितना 4 है और ए जेड कितना है 0 है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ए एक्स का मान हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 × 9 प्लस 16 अंडर रूट के अंदर 25 हो गया, 25 का आ गया 5 मात्रा का आ गया। अब इसी प्रकार से ए डॉट बी निकालना हमें, तो ए डॉट बी के लिए देखिए, ए को लिख लेंगे पहले 3i प्लस 4j प्लस 0k डॉट, बी में भी हमारे पास k का कंपोनेंट नहीं है z दिशा में, तो क्या होगा 12i माइनस 5j प्लस 0k। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, तो देखिए पहले 3i से पूरे को कर देंगे डॉट, क्या होगा 3 × 12 यह आ गया और i डॉट i ये आ गया, उसके बाद 3 × 15 3 × −5 और i डॉट j, उसके बाद 3 × 0 और i डॉट k, इसी प्रकार दूसरे अगर j का 4 × 12 4 × 12 और j डॉट i, उसके बाद 4 × −5 ये आ गया और j डॉट j, उसके बाद प्लस 4 × 0 और जे डॉट के, इसी प्रकार से 0, अब 0 वाले से करेंगे सब 0 हो जाएगा, लिख देते हैं 0 × 12 और के डॉट आई प्लस 0 × −5 आएगी और के डॉट जे, उसके बाद 0
गुणा जीरो और के डॉट के। तो जितने देखिए जो सेम डॉट होती है वो इसका मान एक होता है, बाकी जो विपरीत होते हैं या दूसरे होते हैं आई जे या जे के वो सब जीरो हो जाते हैं। तो इसका देखिए इसका वन हो जाएगा, और तो ये 3 12 36 लिख दिया हमने गुणा एक, माइनस 15 गुणा 0 जीरो गुणा जीरो, 48 गुणा 0 माइनस 20 गुणा 1 जीरो गुणा जीरो, जीरो गुणा जीरो, जीरो गुणा जीरो, जीरो सब जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया 36 एकम 36 और एक आएगा इसमें से 20 एकम 20 माइनस का, 36 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 16 मात्रा। इस तरीके से हम ए डॉट बी निकाल सकते हैं। और भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको आप स्वयं करेंगे। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, थैंक यू।